पेट्रोलियम जो मानव के जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। आइए आपको इस वीडियो में विस्तार रूप से बताते हैं। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंभात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत के अलावा मध्य पूर्व के देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व के तेल उत्पादक देशों में इराक का किरकुक, ईरान का मस्जिद सुलेमान, गजसारन, करम नसा लाली, सऊदी अरब में दमाम, कांतिप, अबकेप, बुक्का, कुवैत में बुर्गन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगलीजन, मोरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बोरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, कोसंबा, मेहसाना, बकरोल, नौगांव इत्यादि मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नारीमानन एवं कोविल कप्पल में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला। ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र हैं। कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इन उत्पादित तेलों का शोधन कर इसे विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। ऐसे शोधन केंद्रों को तेल परिष्करण या तेल शोधन शाला कहा जाता है। देश में 18 से अधिक तेल शोधन शालाएं कार्यरत हैं। बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधन शाला है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा।